सब जगह पैसे का ही बोलबाला है, किसी के फोन ले लिए गए, अब हम आज यहाँ फोन जमा करने लगे, आधे लोगों के पास मीटिंग में उनके फोन ही नहीं थे। देखना लोगों को है कि ऐसे आदमी चुन के लेके आने हैं या जो बिक गए हैं वैसे लेके आने हैं, ये लोगों के ऊपर है। जो आदमी बिक गया है, लोगों को विश्वास और वोट को बेच दिया है, अगर वैसे ही आदमी लोगों को चुनने हैं तो फिर यही होगा, आगे भी मंडियां लगेंगे, आगे भी बिकेंगे। वो अपने घर में किसी से बात ही नहीं कर पा रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से, मैं भी जहाँ भी उनको रखा गया होगा, जो कुछ भी सिचुएशन होंगी, बट ऐसा ऑब्जर्व हो रहा था, उनके पास उनके फोन तक नहीं थे जमा करने के लिए। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि चीजों को ऑब्जर्व करें, देखें, सोचें, समझें, परखें, थोड़ा समय लें, डिसाइड करें कि करना क्या चाहिए, ईमानदार सरकार चाहिए या चोर सरकार चाहिए। जो व्यवस्था चली आ रही है, ये खरीद फरोख्त तो बहुत पहले से चल रही है, इसी को परिवर्तन करने के लिए, इसी को चेंज करने के लिए तो हम आए। अगर हम भी इसी में शामिल हो जाएं तो हमें और उनमें पहले वाले में फर्क क्या रहा? किसी को खरीद लिया गया, यही सब कुछ बहुत अनफेयर प्रैक्टिस चल रही थी, जो गंदगी है, हम उसमें इसीलिए दूर ही रहना उचित समझे। बट मैं और जसवीर सिंह, वी आर नॉट फॉर सेल, हम बिकाऊ नहीं है। हमारे पास भी बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, उपलब्ध हैं, हमने उनको यही बोला भी ये वोट बिकाऊ नहीं है, अपने विवेक से समझ से वोट डालेंगे अगर हमें कोई उचित कैंडिडेट दिखा। हमने देखा कि जैसे धन बल और गुंडागर्दी का हर तरीके का बोलबाला हो रहा था, गलत प्रयोग हर चीज का चल रहा था, भी हमारे लिए कोई भी कैंडिडेट उचित नहीं था। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी दैल का, और आज पानीपत में जिला परिषद के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुने जा चुके हैं। टोटल पार्षदों की बात करें तो 17 पार्षद थे, 17 के 17 आज हाजिर रहे, हाजिरी 17 के 17 की लगी, लेकिन जो वोट थी वो 16 की गिरी, जिन्होंने एक वोट नहीं की वो हमारे साथ मौजूद हैं, वार्ड नंबर 15 से पार्षद हैं। प्रियंका जी, आपको क्यों ऐसा लगा कि भाई आपको वोट नहीं करनी है, क्या कारण रहा? जो कुछ भी इस इलेक्शन में हमने ऑब्जर्व किया है, खरीद खरोद, ये सेल वो सेल, उसको फिट अप करना, उसका फोन कर मतलब ले लेना, और उनको घर वालों से भी संपर्क ना होने देना, ये सब चीज़ें मीडिया में आई है और हमने भी ऑब्जर्व की है, जो हमें नीट एंड क्लीन नहीं लगा, जिसके लिए हमारा मेन मकसद था आने का यहाँ पे राजनीति में। वेल एजुकेटेड फैमिली से हम लोग हैं और इसीलिए साफ सुथरी राजनीति करने के लिए हमने एंट्री की है यहाँ पे जिला परिषद की टिकट लेके, बट ऐसा नहीं हो रहा है। हमने लोगों को यही बोला था भी अपने आप को, अपने जमीर को और आपके विश्वास को किसी भी कीमत पे, किसी भी दबाव में बेचेंगे नहीं, तो इसीलिए मैंने वोट ना देना ही उचित समझा। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं MBA हूँ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA, और इंडियन डिग्री से मैं ग्रेजुएशन में हूँ। देख के तो यही लगता है कि शिक्षा कहीं बहुत पीछे रह गई है और मनी बहुत आगे निकल गया है, हर चीज में सबकी प्रायोरिटी वही हो गया है। दोनों साइड से आदमी हमारे पास आए, रिक्वेस्ट भी की, हमने यही बोला भी देखेंगे मौके पे, अगर हमें कोई चीज अच्छी लगी तो हम वोटिंग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और हमने देखा कि पार्षद जिनको लोगों ने बड़े विश्वास से चुन के भेजा था, उनका विश्वास यहाँ तार तार हुआ है। अंदर भी बातचीत हुई आपकी दूसरे पार्षदों से, चेयरमैन के उम्मीदवारों से, कुछ बोला आप? अंदर भी ऑफर मिल रहे थे। अच्छा, मुझे अंदर भी ऑफर मिल रहे थे, बट उन्होंने मना किया कि कांटेक्ट मत करो आपस में, लेकिन जितना भी कांटेक्ट हुआ ऑफर्स थे। बट मैं और जसवीर सिंह, वी आर नॉट फॉर सेल, हम बिकाऊ नहीं है, साफ सुथरी राजनीति करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, जनता का सम्मान और उनका विकास करेंगे। हमने जब वोट मांग रहे थे, हमारे सामने एक पूर्व मंत्री भी थे, मौजूदा विधायक का कैंडिडेट था, पूर्व विधायक की सपोर्ट थी, दो तीन की जिला अध्यक्ष की, बहुत सारे लोग लगे हुए थे, लेकिन लोगों ने हमें चुना, और ये सिर्फ हमारी इमेज को देख के चुना था। हमने भी लोगों को विश्वास दिलाया था कि आप लोगों को हमें वोट दे के पछतावा नहीं होगा, अभी गलत आदमी को चुन लिया। देखिए, चोर किसी की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पाता। तो हमारा कार्यकाल है, हम साफ सुथरे तरीके से काम करेंगे, बाकी आगे का भगवान और जनता रखवाला, जैसे भी वो करेंगे, जिस हिसाब से वोटिंग मिलेगी, जैसा सपोर्ट मिलेगा, आगे बढ़ेंगे। हो चुकी है आई थिंक सभी की यहाँ पर, जैसा कि आज देखा माहौल, जिसने जितना लगा उसको उतना मिल गया होगा। हर पार्षद ने अपना जमीर और लोगों का विश्वास बेचे है। मंडी में सब्जियां बिकती है ना, ऐसे भी करे थे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, बुरा हाल हो गया था, पैसे और गुंडागर्दी का बोलबाला था, इसलिए हमने वोटिंग नहीं की। हमने लोगों को यही बोला था भी अपने आप को, अपने जमीर को और आपके विश्वास को किसी भी कीमत पे, किसी भी दबाव में बेचेंगे नहीं।
आपने काफी देखा होगा कि जिला परिषद का कोई भी मेंबर दोबारा जीत के नहीं आता आसानी से। उसका यही कारण है, जिस दिन रिजल्ट निकलता है जिला परिषद का, अगले दिन खरीद फरोख्त शुरू हो जाती है। सर, जैसे आपने भी बोला कि बीजेपी ने चेयरमैन बना लिया, बीजेपी का कोई पार्षद जीत के तो आया नहीं है, ये तो एक पट्टा डालने वाली बात है। एक खरीद फरोख्त से जुगाड़ कराया हुआ चेयरमैन है जिसने भी किया है, लेकिन ये बीजेपी के मेंबर है नहीं कोई भी। नहीं, हमारा चुनाव में कोई खर्चा नहीं था, बिल्कुल नॉर्मली हमने लोगों से वोट मांगे, लोगों ने हमसे कोई डिमांड भी नहीं की, किसी की कोई डिमांड नहीं मरसे रही, भरपूर साथ मिला लोगों का, बहुत ढेर सारा प्यार और वोट सपोर्ट हर तरीके से। हमने उसी को बचा के रखना था, लोगों को प्यार को, इसलिए हमने किसी दबाव में धन बल या पॉलिटिकल ना झुकते हुए वोट करना ही उचित समझा। पूरे डिस्ट्रिक्ट को पता है क्या क्या घटनाक्रम हुआ है, कैसे लोगों ने जमीन बेचे हैं, और भेड़ बकरियों की तरह दौड़ते हैं इधर उधर, सब्जी मंडी में जैसे सब्जियां बिकती ऐसे बिकते हैं, वो यह रेट दे रहा है आप क्या दोगे, वो ये दे रहा है आप क्या दोगे। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी टाइल का। और आज पानीपत में जिला परिषद के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुने जा चुके हैं। टोटल पार्षदों की बात करें तो 17 पार्षद थे, 17 के 17 आज हाजिर रहे, हाजिरी 17 के 17 की लगी, लेकिन जो वोट थी वो 16 की गिरी। जिन्होंने एक वोट नहीं की वो हमारे साथ मौजूद हैं, वार्ड नंबर 15 से पार्षद हैं प्रियंका तोमर जी। प्रियंका जी, आपको क्यों ऐसा लगा कि भाई आपको वोट नहीं करनी है, क्या कारण रहा? जो कुछ भी इस इलेक्शन में हमने ऑब्जर्व किया है, खरीद खरोद, ये सेल वो सेल, उसको फिट अप करना, उसको फोन कर मतलब ले लेना, और उनको घर वालों से भी संपर्क ना होने देना, ये सब चीज़ें मीडिया में आई और हमने भी ऑब्जर्व की है, जो हमें नीट एंड क्लीन नहीं लगा, जिसके लिए हमारा मेन मकसद था आने का यहाँ पे राजनीति में। वेल एजुकेटेड फैमिली से हम लोग हैं और इसीलिए साफ सुथरी राजनीति करने के लिए हमने एंट्री की है यहाँ पे जिला परिषद की टिकट लेके, बट ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मैंने वोट ना देना ही उचित समझा। कितने पढ़े लिखे हैं, क्या कुछ आपकी क्वालिफिकेशन है? मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं MBA हूँ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी US से, और इंडियन डिग्री से मैं ग्रेजुएशन में हूँ। आप जैसी महिलाएं हैं, दूसरे भी और लोग हैं, और वो पढ़ाई लिखाई भी कामयाब नहीं हो पाती, पैसा और वो सब चीजें चलती है राजनीति के अंदर, देख के तो यही लगता है कि शिक्षा कहीं बहुत पीछे रह गई है और मनी बहुत आगे निकल गया है, हर चीज में सबकी प्रायोरिटी वही हो गया है। अंदर भी बातचीत हुई आपकी दूसरे पार्षदों से, चेयरमैन के उम्मीदवारों से, कुछ बोला हो आप? अंदर भी ऑफर मिल रहे थे। अच्छा, मुझे अंदर भी ऑफर मिल रहे थे, बट उन्होंने मना किया कि कांटेक्ट मत करो आपस में, लेकिन जितना भी कांटेक्ट हुआ ऑफर्स ही ऑफर्स थे। बट मैं और जसबीर सिंह, वी आर नॉट फॉर सेल, हम बिकाऊ नहीं है, साफ सुथरी राजनीति करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, जनता का सम्मान और उनका विकास करेंगे। आंखों में आंखें नम, आपकी आंखों में आंसू आ गए, ऐसा क्या है? सब जगह पैसे का ही बोला वाला है, किसी के फोन ले लिए गए, अब हम आज यहाँ फोन जमा करने लगे, आधे लोगों के पास मीटिंग में उनके फोन ही नहीं थे, वो अपने घर में किसी से बात ही नहीं कर पा रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से, मैं भी जहाँ भी उनको रखा गया होगा, जो कुछ भी सिचुएशंस होंगी, बट ऐसा ऑब्जर्व हो रहा था, उनके पास उनके फोन तक नहीं थे जमा करने के लिए। किसी का फोन ले लिया गया, किसी को खरीद लिया गया, यही सब कुछ बहुत अनफेयर प्रैक्टिस चल रही थी, जो गंदगी है, हम उसमें इसीलिए दूर ही रहना उचित समझा। ठीक है, 5 साल आपको आपने वोट नहीं दी, 5 साल तो जनता ने आपको चुन लिया, क्या इस तरह की राजनीति के बाद आप अगली बार भी कदम उठाएंगी, प्रयास करेंगी फिर से? जितना हमारा कार्यकाल है हम साफ सुथरे तरीके से काम करेंगे, बाकी आगे का भगवान और जनता रखवाला, जैसे भी वो करेंगे, जिस हिसाब से वोटिंग मिलेगी, जैसा सपोर्ट मिलेगा, आगे बढ़ेंगे। जीरो टॉलरेंस की भारतीय जनता पार्टी बात करती है कि भाई हमारे यहाँ सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं कि खरीद फरोख्त और वो सारी चीजें निकल करके सामने आ रही है, हो चुकी है आई थिंक सभी की यहाँ पर, जैसा कि आज देखा माहौल, जिसने जितना लगा उसको उतना मिल गया होगा। चलिए, सर्वजातीय जन पंचायत के पानीपत ग्रामीण के अध्यक्ष जसबीर सिंह जस्सा ये भी हमारे साथ मौजूद है। जसबीर जी, क्या लग रहा है, आप लोगों ने घर पे मत बनाया होगा कि भी हम लोग वोट करें या नहीं करें, ऑफर आपको जैसे प्रियंका जी ने बताया कि मुझे अंदर भी ऑफर मिल रहे होंगे, और जाहिर सी बात है जब बाहर लोगों को लेके जाया जा रहा था, और यहाँ भी जितने दूसरा भी पक्ष होगा वो भी तमाम कोशिशें कर रहा होगा भी दूसरे खेमे के मेरी तरफ आ जाए, और दूसरे वाले पहले खेमे को तोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे, तो आपके पास भी जाहिर सी बात है ऑफर आए होंगे। देखिए, ऑफर आते हैं राजनीति में, हम समाज में रहते हैं, हर प्रकार का आदमी हमारे पास आता है, दोनों साइड से आदमी हमारे पास आए, रिक्वेस्ट भी की, हमने यही बोला भी देखेंगे मौके पे, अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लगी तो हम वोटिंग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और हमने देखा कि पार्षद
जिनको लोगों ने बड़े विश्वास से चुन के भेजा था, उनका विश्वास यहाँ तार तार हुआ है। हर पार्षद ने अपना जमीर और लोगों का विश्वास बेचे हैं। हम इस सब्जी मंडी में, जैसे मंडी में सब्जियां बिकती है ना, ऐसे भी क्रय दें, यहां से वहां, वहां से यहां, बुरा हाल हो गया था। पैसे और गुंडागर्दी का बोलबाला था, इसलिए हमने वोटिंग नहीं की। हमने जब वोट मांग रहे थे, हमारे सामने एक पूर्व मंत्री भी थे, मौजूदा विधायक का कैंडिडेट था, पूर्व विधायक की सपोर्ट थी, दो तीन की, जिला अध्यक्ष की, बहुत सारे लोग लगे हुए थे, लेकिन लोगों ने हमें चुना और ये सिर्फ हमारी इमेज को देख के चुना था। हमने भी लोगों को विश्वास दिलाया था कि आप लोगों को हमें वोट दे के पछतावा नहीं होगा, भी गलत आदमी को चुन लिया। हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड था नहीं, कुछ नहीं था, हमने सिर्फ लोगों में हमारा जो एक इमेज थी उसके ऊपर वोट मांगे थे। हमने लोगों को यही बोला था भी अपने आप को, अपने जमीर को और आपके विश्वास को किसी भी कीमत पे, किसी भी दबाव में बेचेंगे नहीं। पैसा नहीं बांटा, शराब नहीं बांटी, वाहियात खर्चा नहीं किया आप लोगों ने, ये भी पता चल? नहीं, हमारा चुनाव में कोई खर्चा नहीं था, बिल्कुल नॉर्मली हमने लोगों से वोट मांगी, चाय पानी के ऊपर। लोगों ने हमसे कोई डिमांड भी नहीं की, किसी की कोई डिमांड नहीं मरसे रही, भरपूर साथ मिला लोगों का, बहुत ढेर सारा प्यार और वोट सपोर्ट हर तरीके से। हमने उसी को बचा के रखना था, लोगों को प्यार को, इसलिए हमने किसी दबाव में धन बल या पॉलिटिकल ना झुकते हुए वोट करना ही उचित समझा। क्या लगता है अभी जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं कि खरीद फरोख्त हुई है, और जाहिर सी बात है, जग जाहिर है, सबको पता चल गया होगा, लेकिन जब वो अपने हलके में जाएंगे, अपने उन 8-10 गांवों के अंदर जाएंगे, लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात कर पाएंगे जिस तरह आप कर पाएंगे कि भाई देखो मैंने अपने जमीर को नहीं बेचा? देखिए, चोर किसी की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पाता, सबको पता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट को पता है भी क्या क्या घटनाक्रम हुआ है, कैसे लोगों ने जमीन बेचा है। वो आपने काफी देखा होगा कि जिला परिषद का कोई भी मेंबर दोबारा जीत के नहीं आता आसानी से, उसका यही कारण है, जिस दिन रिजल्ट निकलता है जिला परिषद का, अगले दिन खरीद फरोख्त शुरू हो जाती है और भेड़ बकरियों की तरह दौड़ते हैं इधर उधर। सब्जी मंडी में जैसे सब्जियां बिकती है ऐसे बिकते हैं, वो या रेट दे रहा है आप क्या दोगे, वो ये दे रहा है आप क्या दोगे। हमारे पास भी बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, ऊपर दिए हैं, हमने उनको यही बोला भी ये वोट बिकाऊ नहीं है, अपने विवेक से समझ से वोट डालेंगे अगर हमें कोई उचित कैंडिडेट दिखा। हमने देखा कि जैसे धन बल और गुंडागर्दी का हर तरीके का बोलबाला हो रहा था, गलत प्रयोग हर चीज का चल रहा था, भी हमारे लिए कोई भी कैंडिडेट उचित नहीं था। संगठन में भी आप जो है अध्यक्ष हैं, संगठन में भी ग्रामीण अध्यक्ष हैं, उसका टैगलाइन है सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन, उसी राह पर जो आपके जो पार्षद है नावी जी रही है, तो उसी का भी कहीं ना कहीं ये चीज रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो व्यवस्था चली आ रही है, ये खरीद फरोख्त तो बहुत पहले से चल रही है, इसी को परिवर्तन करने के लिए, इसी को चेंज करने के लिए तो हम आए। अगर हम भी इसी में शामिल हो जाएं तो हमें और उनमें पहले वाले में फर्क क्या रहा? सर्वजातीय जनपंचायत, ठीक है, पहली बार चुनाव में आप लोग उतरे और पहली बार में ही आपने एक सीट निकाल ली। भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा, भले ही ये चेयरमैन बना ले गए हों, लेकिन पूरे हरियाणा के अंदर सबको पता जग जाहिर है। आप लोगों ने अब दावेदारी कर दी, आप लोगों ने ये अनाउंसमेंट कर दी कि भाई हम पानीपत शहर के अंदर मेयर अपना बनाएंगे, 26 के 26 वार्डों में हम लोग अपने कैंडिडेट उतारेंगे। क्या इस तरह का जब आप लोगों ने ये फैसला लिया, उससे कुछ फायदा होगा आप लोगों को? देखो, ये तो हमारे जमीर का अपना फैसला है, देखना लोगों को है कि ऐसे आदमी चुन के लेके आने या जो बिक गए वैसे लेके आने, ये लोगों के ऊपर है। जो आदमी बिक गया, लोगों को विश्वास और वोट को बेच दिया है, अगर वैसे ही आदमी लोगों को चुनने हैं तो फिर यही होगा, आगे भी मंडियां लगेंगे, आगे भी बिकेंगे, खरीदे जाएंगे। अच्छे आदमी चुनो, हम तो यही बोल रहे हैं, अच्छे आदमी चुनो ताकि आप लोगों का काम अच्छे से हो सके। प्रियंका जी से आखिरी सवाल लेंगे, लोगों से आप क्या अपील करेंगे, वोटर से, आम जनता से, जो वोट अपनी कीमती वोट दे करके इन लोगों को, आप लोगों को भी लगाइए और दूसरे लोगों को भी, सबको अपना भारी बहुमत वोट दे करके जिताने का काम कर दिए?
मैं बस ये कहना चाहूंगी कि चीजों को ऑब्जर्व करें, देखें, सोचें, समझें, परखें, थोड़ा समय लें, डिसाइड कर लें कि करना क्या चाहिए, ईमानदार सरकार चाहिए या चोर सरकार चाहिए। आप अपने मन से बना लें आपको कैसा फ्यूचर चाहिए, उसी को वोट करें। सर, जैसे आपने भी बोला कि बीजेपी ने चेयरमैन बना लिया, बीजेपी का कोई पार्षद जीत के तो आया नहीं है, ये तो एक पट्टा डालने वाली बात है, जैसे कुत्ते को पट्टा डालते हैं। मुंह दिखाई कर दी भारतीय जनता पार्टी जी, पब्लिक ने तो नहीं सुना, ये तो एक खरीद फरोख से जुगाड़ कराया हुआ चेयरमैन है जिसने भी किया है, लेकिन ये बीजेपी के मेंबर है नहीं कोई भी। बस यही मेरे को कहना था, लोगों से अपील है कि साफ सुथरे आदमी चुनो ताकि आपका काम हो, विकास हो, आपका हक है जो उस पे कोई डाका ना डाल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया, सभी दर्शकों से अपील रहेगी कि जो भी दोनों पार्षद से भी और सर्वजातीय जनपंचायत के पानीपत जिले ग्रामीण के अध्यक्ष से भी जो बातचीत हुई, सवालों के जवाब दिए और इनके जो ये फैसला इनकी तरफ से लिया गया है, आपकी इस फैसले के बारे में क्या राय है, और इस वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।